हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या करिए हमें। एक गार्डन में एन फ्लावर्स है हमारे पास, ये दिए हुए हैं यहाँ पे, एन फ्लावर्स है हमारे पास, ठीक है जी। और उनकी हाइट भी दी हुई है हमारे पास, जो एरे में ए ऑफ आई है वो आयत फ्लावर की हमारी हाइट रिप्रेजेंट करता है। यू विल वाटर दैम फॉर के डेज, के डेज के लिए हम उन्हें वाटर करेंगे। इन वन डे यू कैन वाटर डब्ल्यू कंटिन्यूस फ्लोर्स, डब्ल्यू कंटिन्यूस फ्लोर्स यहाँ पे डब्ल्यू के हमारे पास थ्री, तो थ्री कंटिन्यूस फ्लोर्स को हम वाटर कर सकते हैं। जैसे ये थ्री हो गए, या फिर अपने पास कोई भी थ्री मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। थ्री साइज का सब एरे मतलब ले सकते हो आप, उनको फ्लोर कर सकते हो। और एक दिन में फ्लोर करने पर उनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, वन यूनिट बढ़ेगी, ठीक है। हमें क्या करना है, यू नीड टू मैक्सिमाइज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावर एट द टाइम। हमें क्या करना है, मतलब 2 दिन पानी देने के बाद थ्री साइज के ग्रुप को हमें यह बताना है कि जो हमारी मिनिमम हाइट जो रहेगी उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले अपने जो एग्जांपल की बात करें, दो 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 एक एक, डब्ल्यू क्या है थ्री, के क्या है टू, ठीक है। ये क्या है दिन, ये क्या है सवेरे, कितने को आप पानी दे सकते हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपना जो है इन तीन को पानी दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, टू 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 थ्री टू टू, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किन्हीं तीन को और पानी दे सकते हो कंटिन्यूअस को। तो आप क्या करोगे, अगर आप इन तीन को पानी दोगे तो आपकी हाइट क्या रह जाएगी, यहाँ से दो रह जाएगी। अगर आप इन तीन को पानी दोगे तो आपकी हाइट यहाँ से दो रह जाएगी, मतलब हाइट तो आपकी किसी ना किसी की दो रह ही जाएगी। तो इसलिए आपका आंसर जो मिनिमम हाइट है वो टू आएगा, ठीक है जी। अब इसके अप्रोच देखते हैं, क्वेश्चन की अपनी अप्रोच क्या बनने वाली है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम, अब हमने एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको सारा समझ में आएगा। अब आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है कि आप अपना आंसर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हो, आपका आंसर मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मैं इस वाले फ्लावर को पानी ही नहीं दूंगा कभी भी, ठीक है, ये मेरा कौन सा है मिनिमम हाइट, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, आंसर मेरा रहेगा वन, ठीक है। क्या किसी और कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में मैं अपना आंसर वन से छोटा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरा आंसर वन से छोटा नहीं होगा, क्योंकि वन तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो सकता है मैं इसको कभी पानी ही ना दूँ तो मेरा आंसर वन जरूर रहेगा, वन से छोटा नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आंसर मेरा ज्यादा ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है, ये देखो, अगर मैं इस ही को मिनिमम वाले को, ठीक है, कितने दिन है मेरे पास, 5 दिन है, 5 के 5 दिन में खाली इसी ही को पानी दूं, ठीक है, 5 के 5 दिन इसी को पानी दूंगा, तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी, सिक्स, ठीक है। क्या मेरा आंसर इससे बड़ा आ सकता है, इससे बड़ा मेरा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आप इस वन को इससे बड़ा तो कर नहीं सकते ना, 6 से बड़ा तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास दिन ही 5 है, ठीक है। तो मतलब मेरा आंसर 1 से लेके 6 के बीच कहीं आ रहा होगा। अब मैं जो अपना आंसर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता मेरा आंसर इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो मैं हर एक के लिए चेक कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 के लिए चेक करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ आके देखूंगा भाई, इसको तो 6 बनाना पड़ेगा, इसकी तो हाइट 6 से कम है, इसको 2 दिन पानी दे दूंगा, साथ में 6 को पानी दे सकता हूँ ना मैं, साथ में इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसके साथ में पानी दे दूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि बाकी सब तो 6 से बड़े हैं, उनकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, देखूंगा 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आऊंगा, इसको मैं देखूंगा भाई, इसको तो पानी देना पड़ेगा, इसको पानी कितने दिन देना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए 3 दिन और पानी देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 5 दिन हो गए अपने पास, 3 दिन इसको पानी दूंगा, तो 3 दिन इसको भी पानी दिया जाएगा, 3 दिन इसको भी पानी दिया जाएगा, ठीक है। ये तो 6 बन जाएगा, लेकिन ये और ये 6 नहीं बनेंगे, इसका मतलब 6 मेरा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं 5 के लिए चेक करूंगा, फिर मैं 4 के लिए, फिर मैं 3 के लिए, फिर मैं 2 के लिए, फिर मैं 1 के लिए, जब तक चेक करूंगा जब तक मेरे को कोई भी आंसर नहीं मिल जाता, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए मेरे को 5 आंसर मिल गया, तो मैं 5 रिटर्न कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, साथ में इस पूरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरे को इस पूरे को ट्रैवर्स करने की जरूरत है, अगर मैं कहूँ, अगर आप इसमें एक चीज सोचो, है तो हमारा ये शॉर्टेड फॉर्म ही 1 से लेके 6 तक, तो क्या हम इसमें बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, चेक करेंगे कि उस मिड पॉइंट तक की हाइट हम हर एक अपने ट्री की, हर एक फ्लावर की अपने सेट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो तो हमारा आंसर होगा ही, और उससे ग्रेटर आंसर चेक करेंगे, लेस वाले करने की चेक जरूरत ही नहीं है, हमें मैक्सिमम आंसर लेना है।
ये तो हमें मिल ही चुका है, इससे लस तो जाने की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये आंसर नहीं होगा मिड, तो मतलब इसके इधर वाले भी आंसर नहीं होंगे, फिर हम खाली इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वाली अप्रोच को अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी रेंज निकाल लेंगे, उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट के हिसाब से एक फंक्शन बना लेंगे जो हमें बताएगा हाँ हम हाइट फ्लावर की इतनी सेट कर सकते हैं इतने दिन और इतने सवेरे का साइज लेके या नहीं, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो वो तो हमारा आंसर होगा ही, हम इस साइड मूव करेंगे, ठीक है, और ग्रेटर की साइड जाएंगे। अगर नहीं कर सकते वो आंसर नहीं होगा, उससे राइट वाले भी आंसर नहीं होंगे, तो उससे लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे, वही काम हम कर लेते हैं। अब मिनिमम और मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बताया कैसे आएगी, अपनी मिनिमम हाइट अपनी कितनी आएगी, जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम हाइट मेरी कितनी आएगी मिनिमम एलिमेंट में, अगर मैं के दिन पानी दे दूं, ठीक है जी। तो वो कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट निकाल लेते हैं अपना एरे का, एम एन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन कोमा ए ओ फाइव, ठीक है। ऐसे मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट में ही के दिन पानी दे दो, ठीक है। अब इसी ही रेंज पे हमें बाइनरी सर्च लगानी है, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीट निकाल लेंगे, लो जी मीट निकाल लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है इफ पॉसिबल है हाइट सेट करना किन की, एन ट्री एन फ्लावर्स की, फ्लावर्स की हाइट जो हमारे पास इनिशियल है वो भी भेज दी, के दिन में डब्ल्यू साइज हम ले सकते हैं, डब्ल्यू फ्लावर्स को इकट्ठे वालों को एक साथ पानी दे सकते हैं, और कितनी हाइट सेट करनी है मिड, जो हमारा करंट मिड है उतनी हाइट हम सेट कर सकते हैं या नहीं। अगर इसका आंसर होता है ट्रू, तो इतनी हाइट सेट कर सकते हैं, अगर सेट करते हैं तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, इतनी हाइट तो हम सेट कर ही सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग इंट करके यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है जी, इतनी हाइट हम सेट कर ही सकते हैं, और साथ में अगर इतनी सेट कर सकते हैं तो इससे ग्रेटर वाली चेक करेंगे, ठीक है। ग्रेटर वाली सेट चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एम एन को मिड प्लस वन कर देंगे, वरना सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे, एम एक्स को मिड माइनस वन कर देंगे, लास्ट में क्या करेंगे रिटर्न आंसर, और यहाँ पे ये पॉसिबल वाला है फंक्शन बना लेते हैं जो हमें बूल टाइप रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स हाइट सेट कर सकते हैं या नहीं। इसके अंदर अपने पास क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है एन, एक आ रहा है वेक्टर ऑफ इंट ए, ठीक है, एक आ रहा है हमारे पास के, एक आ रहा है हमारे पास डब्ल्यू, एक आ रहा है हमारे पास मीन, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको नोट करने वाली है कि आप इस ए को ना बाय रेफरेंस नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप इसको बाय रेफरेंस लोगे तो क्या होगा, आप इसके अंदर जो कंप्यूटेशन करोगे ना उसमें आप हाइट को चेंज करोगे, हर एक फ्लावर की हाइट को जब चेंज करोगे आप, तो वो क्या होगा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होएगी और अपनी अगली कंप्यूटेशन में दिक्कत पैदा होगी, इसलिए इसको बाय रेफरेंस ना लो, सिंपल लो, ताकि आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज ना करना पड़े, ठीक है। अगर यहाँ बाय रेफरेंस लोगे तो अंदर आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पूरे एरे के लिए चेक करना है, तो उसके लिए आई जीरो से लेके क्या करते हैं हम एन तक चला लेते हैं, अगर ए ओ फाइव लेस देन आता है मिड के, इसका मतलब इसकी हाइट जो जिस हाइट के लिए हम करंटली चेक कर रहे हैं उससे कम है, तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है वो देख लेते हैं, कितना बढ़ाएंगे, मिड माइनस ए ओ फाइव बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर जितनी बढ़ानी है उतने हमारे पास दिन ही नहीं बचे, अगर जितनी बढ़ानी है उतने हमारे पास दिन ही नहीं बचे, तो रिटर्न सिंपल क्या कर दो, फॉल्स हम सेट ही नहीं कर सकते, ठीक है जी, रिटर्न कर दिया हमने फॉल्स, ठीक है। अगर उतने दिन बचे हैं तो उतने दिन इस वाले प्लांट को पानी दे के उन और अपने दिन क्या है कम कर दो, उतने ही दिन कम कर दो, ठीक है, दिन भी कम कर दिया हमने, और साथ में हमने क्या करा, इस वाले प्लांट की हाइट भी मिड सेट कर दी, और साथ में डब्ल्यू सबेरे ले सकते हैं हम, इससे आगे जो डब्ल्यू माइनस वन फ्लावर्स बचे हैं उनकी हाइट भी टेम्प से बढ़ा दी, ठीक है। और इंट जे इज इक्वल टू इनसे अगले वाले प्लांट जितने भी है हमारे पास, आई प्लस डब्ल्यू प्लांट, ठीक है जी, अगले डब्ल्यू माइनस वन प्लांट जितने भी होंगे वो इस लूप के अंदर आ जाएंगे हमारे, उनकी हाइट भी क्या कर दो आप,
AO5 + इक्वल टू टेम्प, क्योंकि इनमें भी तो पानी जाएगा साथ में, ठीक है। लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न ट्रू। अगर सारों के हम बढ़ा सकते हैं तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना यहाँ से अपने आप फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं, शायद कहीं गलती आ जाए तो वो भी देख लेंगे। अभी गलती है, दो आंसर आ रहा है, आंसर आने चाहिए अपना 5। चेक करते हैं अभी कहाँ पे गलती है अपनी। AO5 नहीं, ये होगा यहाँ पे, एक बार चलाते हैं इसको। अभी भी रोंग है, कोई बात नहीं, तो गलती है हमारी, इंट मिन हमारा, इसको इंट मैक्स लो, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी अपने से। अब सही चलेगा, सबमिट करते हैं इसको, फिर देखते हैं इसका जावा कोड। लो जी, सबमिट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी मारते हैं सबसे पहले, ठीक है। कॉपी करा, इधर जाके जावा में हमने पेस्ट कर दिया, ऊपर वाला भी सिस्टम पानी अपना ले आते हैं। कॉपी करा, जावा में आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना काम यहाँ पे स्टैटिक लिखो सबसे, यहाँ बुलियन लिखो, यहाँ वेक्टर कुछ हमारा एरे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इतना काम हुआ, यहाँ पे आएगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम हो गया अपना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैथ डॉट मीन आएगा, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एक लॉन्ग से काम चलेगा। और तो कुछ और ऊपर देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक दिक्कत और जावा में सुनो हमारी, जब ये वाला एरे आ रहा है ना, आप कंप्यूटेशन तो इसके साथ ही कर रहे हो, है ना, तो ये एक्चुअल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर वही वाली दिक्कत आएगी जो हमारी C++ में आ रही थी ना, बाय रेफरेंस वाली दिक्कत, वही वाली दिक्कत आएगी कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, अर्ली कंपिटिशन में हमारी दिक्कत आएगी, रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं। अभी जो एरर है उसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे एंड एंड लगाओ, और एक एरर अपने पास क्या आएगी, यहाँ पे K कैपिटल है, साथ में ए कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं कोई दिक्कत आती है तो। आई लेस देन एंड मैथ डॉट मीन, ये देख लेते हैं कहाँ पे गलती है, कैपिटल एन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एन आएगा यहाँ पर भी, रिटर्न आंसर, आंसर में यहाँ पे 0 डालते हैं स्टार्टिंग में। अब देखो अपना आंसर ना रोंग आएगा इसका, ये आ गया रोंग आंसर, ठीक है। ये किस कारण आ रहा, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये जो आ रहे हैं, हमने इस एरे को एक्चुअल में चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, आप समझोगे इस बात को, अब देखना इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट AO5 स्पेस आगे प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, अब देखना ये अरे अपना चेंज हो गया, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत आएगी ना। ये देखो चेंज हो गया, अरे 6 4 की जगह 6 आ गया, फिर 9 आ गया, और इस सारे में से जो हमारा मिनिमम है वो 6 है, इसलिए हमारा आंसर 6 आ रहा है इसका। तो उसको हमने एक्चुअल में चेंज नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमें जावा में तो एक अरे बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है। एरे बना लेते हैं उसके लिए, एन साइज का, ये बन गया, और उसमें जो ये एरे आ रहा है ना उसको कॉपी मार लो जी, AO5 इक्वल टू AO5, ये कॉपी लग गया। इसकी जगह ये की जगह एरे कर दो, अब ए वाला आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चला के देख लो, अब सबमिट कर दो इसको। ठीक है जी, जावा में भी अपना सबमिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आई होप गाइस आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और जो भी अपने दोनों कोड के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।